देश में त्योहारों का मौसम आ रहा है, लेकिन देश के लोग प्याज के आंसू रो रहे हैं। अचानक प्याज बेशकीमती हो गया है। दिल्ली मुंबई में तो प्याज 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, जबकि ज्यादातर शहरों में प्याज का भाव 60 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा है। प्याज को लेकर देश में कभी सरकारें गिर जाती थी, लेकिन इस समय सियासी तौर पर खामोशी छाई हुई है। अब तक आप एक देश एक विधान एक जुबान के नारे सुन रहे थे, लेकिन प्याज की आसमान छूती कीमतों ने पूरे देश को एक और मुद्दे पर एक साथ ला दिया है। वो है प्याज की कीमतें। जाति मजहब भाषा प्रदेश से ऊपर उठकर सबके आंसू निकल रहे हैं। यकीन ना हो तो प्याज पर देश का साझा सुनिए। अगर ऐसी पब्लिक परेशान हुई तो क्या हो? अच्छे दिन आए भाई। किसी टाइम में आपने देखा दिल्ली की सरकार गिर गई थी 60 रुपए प्याज होते, आज सरकार गिर नहीं रही। वो हेवी बारिश हो गया, उसके बाद रेट बढ़ना चालू हो गया। ये कम अभी 15 दिन से रेट बढ़ रहा है और अभी आप देखेंगे तो ये मार्केट स्थिर रहेगा, स्टैंड रहेगा मार्केट। पूना नासिक में बाढ़ होने के कारण गाड़ी आने पर नहीं आ पा रहा है, इसी के वजह से कम आ रहा है, इसलिए बढ़ा चढ़ा कर बिक रहा है। सरकार से तो अपील है कि सामान सस्ता किया जाए, नहीं तो गरीब आदमी खाने के लिए मर जाएगा। वैसे भी महंगाई बढ़ रही है। अभी बारिश गिरने के बाद नया माल नहीं निकला है, निकला है तो सारा खराब निकल जाता है। अब पुराना प्याज इतना है तो फिर वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सरकार को इस विषय में निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि प्याज की जैसा कहा जा रहा है आवक कम हो गई, तो इसके लिए या तो इम्पोर्ट अपना करें या कोई और कुछ करें, लेकिन प्याज की कीमतें बढ़ने से निश्चित रूप से हर व्यक्ति हर घर हर प्राणी जो है वो परेशान है। सुना आपने, पूरा देश एक सुर से कह रहा है प्याज की कीमतों के पर निकल आए हैं। प्याज उनके पकड़ से बाहर होता जा रहा है। जरा शहर शहर कीमत पर गौर कीजिए। दिल्ली और मुंबई में प्याज 80 रुपए किलो बिक रहा है। कोलकाता में कीमत 75 रुपए पर पहुंच गई है। पटना में 60, चंडीगढ़ में 65, गुरुग्राम में 80, अहमदाबाद में 60 से 70, देहरादून में 65 से 70, बेंगलुरु में 60 और हैदराबाद में 40 से 50 रुपए प्रति किलो के बीच प्याज बिक रहा है। हमारे संवाददाताओं ने देश के अलग अलग शहरों की मंडियों का जायजा लिया। सुनिए प्याज के आंसू का आंखों देखा हाल। ये लंबी जो कतार आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कतार यहाँ पर 22 रुपए प्रति किलोग्राम प्याज लेने के लिए खड़ी हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ इस लंबी कतार के साथ साथ NCCF के द्वारा केंद्र सरकार के अंतर्गत जो आता है, यहाँ पर 22 रुपए प्रति किलोग्राम प्याज बिक रही है। सामान्य तौर पर प्याज की कीमत पटना में 20 से 25 रुपए तक हुआ करती थी, लेकिन इस तेजी ने इसकी कीमतों को और बढ़ा दिया और जो होलसेल मार्केट है वहाँ की कीमत आज के डेट में कहें तो 40 से 42 रुपए है। हालांकि दो दिन पहले इसकी कीमत 45 रुपए के आसपास थी। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद की सब्जी मंडी में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्याज की क्वालिटी है वो काफी खराब है। बताया यही जा रहा है कि प्याज जो है वो पुराने प्याज है, जिसकी वजह से क्वालिटी काफी खराब है, जबकि प्याज के जो दाम है वो आसमान को छू रहा है। अहमदाबाद के बाजार में प्याज के दाम जो है वो करीब 70 से 80 रुपए किलो के दाम पे छू रहे हैं। अगर बारिश नहीं होती तो नई जो फसल है, जो नए जो प्याज है वो नवंबर मिड तक आ जाएंगे, तो शायद नवंबर के बाद प्याज के दाम शायद कम हो। हर मौसम में हर साल प्याज की कीमतों में भारी उछाल आता है और नई फसल आते ही कीमतें सामान्य हो जाती हैं। तो इंतजार कीजिए नवंबर का, तब तक प्याज आपके आंसू निकालता रहेगा। आज तक ब्यूरो। प्याज किस तरह से अचानक कीमती हो गया, ऐसे यूं समझ लीजिए कि देश के दो शहरों में प्याज चोरी की शिकायत दर्ज हुई है। यानी अब चोरों को लगने लगा है कि वो प्याज चुराकर मालामाल हो जाएंगे। पटना से सटे फतुहा के सोनारू इलाके में लोगों की भीड़ और पुलिस वाले चोरी की वारदात पर इकट्ठा हुए हैं। चोरों ने इस गोदाम में रखा 328 बोरी प्याज चुरा लिया। चोरी गए प्याज की कीमत करीब 8 लाख बताई जाती है।
यही नहीं, ट्रक पर प्याज लादने के साथ चोर गोदाम की अलमारी तोड़कर करीब 2.25 लाख कैश भी चुरा ले गए। 8,25,000 के प्याज उठाया है, 1,73,000 रुपए नगद कैश था, उसमें 23,000 का सिक्का था और 3 गोपन सवा का गड्डी था, 1.5 लाख रुपया, एगो सैमसंग का टीवी था उसे भी खोल लिया है। तारा टूटा हुआ है, शटर भी सबल से करा गया उसको, देखे और यहाँ का प्याज भी बोड़ी 368 बोड़ा प्याज और ऊपर से टीवी 1,73,000 नगद। प्याज चोरी की वारदात नासिक में भी दर्ज हुई है। यहाँ एक गोदाम से चोरों ने 35 क्विंटल प्याज पर हाथ साफ कर दिया। तब यहाँ देखा तो सब गेट के कुल्लू टूटे हुए मिले मेरे को। फिर मैं अंदर गया तो देखा कि मेरे जो कैरेट थे एसपी बाबा नाम के, वो प्याज भर के लेके गए। अज्ञात लोग कौन थे वो मालूम नहीं। चोरी की ये घटनाएं बताती है कि प्याज कितना कीमती हो चुका है। नासिक से प्रवीण ठाकरे और पटना से राजेश कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो।